फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 इस मैटर राउंड अस विद इस चैप्टर के बारे में पहले क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है उसके आगे प्रोसीड करेंगे। आज हम पढ़ेंगे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सब्सटेंसेस के बारे में। हमने दो तरीके के सब्सटेंस पढ़ा था, एक था प्योर और दूसरा था इम्प्योर, जिसे मिक्सचर भी कहा जाता है। आज हम देखेंगे उसी इम्प्योर सब्सटेंस के दो टाइप होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, इन दोनों के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, समझ लिया था। आज हम देखेंगे हमारा आज का टॉपिक जो है वो है सब्सटेंस। होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस टू सॉल्यूशन होता है एक टाइप का, होमोजेनियस को टू सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा है हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट सस्पेंशन एंड सेकंड वन इज क्लोराइड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सस्पेंशन और यही हम आज क्लियर करेंगे थ्रू द स्टार्ट ऑफ वीडियो। सस्पेंशन क्या होता है? अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। और इसमें होता है कि इसका मतलब क्या है कि सस्पेंशन जो है एक ऐसा सॉल्यूट पार्टिकल होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व ना हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व ना हो और लास्ट में क्या बचे, प्रेसिपिटेट बचे। लास्ट में सॉल्यूशन करने के बाद हमें क्या बचे, प्रेसिपिटेट मिले, उसे ही क्या कहा जाता है, सस्पेंशन कहा जाता है। वंस अगेन सुन लीजिए, सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते। सॉल्यूट मतलब जिन चीजों को डिसॉल्व किया जाए, वो चीजें जब डिसॉल्व ना हो पूरी तरीके से और लास्ट में क्या बचे, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, तो उसे कहा जाता है सस्पेंशन कहा जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इस एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट अस सपोज कि हमने COOH2 जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं प्लस CO2 ले लिया। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इस रिएक्टेंट में COOH2 मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर भी कहा जाता है। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, आप जानते होंगे लाइम वाटर। ये जब हम CO2 पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे मिलता है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। मतलब सॉलिड स्टेट मिलने का मतलब क्या, कि वो नीचे जाकर के बैठ गया है, जिस बर्तन में हमने इसको डिसॉल्व किया है वो नीचे जाकर के बैठ गया है, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है। इस वजह से क्या है, सस्पेंशन। और ये सॉलिड स्टेट में मिला है तो जो चीजें सॉलिड स्टेट में मिलती हैं सस्पेंशन के बाद या सॉल्यूशन के बाद, उन्हें प्रेसिपिटेट कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट। इस तरीके से सीधे सीधे क्या है, यहां पे प्रेसिपिटेट है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, जो कि हमें मिल्की कलर में मिलता है। और जब ये अपने प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, ये सॉल्यूशन तो मिल्की कलर का होता है लेकिन इसका प्रेसिपिटेट जो होता है सॉलिड स्टेट में जो मिलता है CaCl3, वो व्हाइट कलर का होता है। गॉट इट? इस पूरे फिनोमेनन को कहा जाता है सस्पेंशन कहा जाता है, जो हमने यहां पे क्लियर किया। आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की, इट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हम समझ रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर। इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं सस्पेंशन के, वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। 100 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁷ मीटर्स, इतने मीटर से ज्यादा होते हैं, मतलब कि इनके साइज बड़े होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। इस वजह से ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे साइज को हम आसानी से अपने नेट आई से देख सकते हैं। थर्ड है, इट हैव टू फेजेस, फर्स्ट सॉलिड एंड सेकंड वन इज लिक्विड। इसमें टू फेजेस होते हैं, एक तो सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है वाटर भी होगा, तो वाटर है तो लिक्विड हो गया, और दूसरा CaCl3 सॉलिड स्टेट में अपने प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है तो क्या हो गया, सॉलिड। मतलब कितने फेज हो गया, दो, सॉलिड एंड लिक्विड। थर्ड है, नेक्स्ट है, सस्पेंशन आर आइदर ओपेक और ट्रांसलूसेंट। सस्पेंशन दो तरीके के हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है और ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है। ओपेक क्या होता है, जिन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सके, और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, कभी कभी देखा जा सके और कभी कभी नहीं देखा जा सके। तो दोनों तरीके की वजह से करते हैं सस्पेंशन, ओपेक भी और ट्रांसलूसेंट भी। नेक्स्ट है, पासिंग बीम ऑफ लाइट, इट मेक्स पाथ विजिबल। अगर सस्पेंशन से हम बीम ऑफ लाइट को मतलब टॉर्च को जलाएं और यहां पे सस्पेंशन में कोई वाटर रखे जिसमें